गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स क्या होते हैं? दीज आर आल्सो नोन एज नाइट्रोजन एनालॉग्स ऑफ कार्बिन्स। कार्बिन्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़े थे, जो आपके न्यूट्रल मोनोवेलेंट कार्बन डाइवेलेंट कार्बन स्पीशीज थे, जिसमें कार्बन के ऊपर दो आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, और वो पेयर्ड थे तो सिंगलेट थे और अनपेयर्ड थे तो ट्रिपलेट थे। ये हमने कार्बिन्स के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। आज हम नाइट्रीन की बात करेंगे, जो कि कार्बिन के नाइट्रोजन एनालॉग्स हैं। एनालॉग्स का मतलब कार्बन की जगह आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अब डिफरेंस क्या है नाइट्रीन्स में और कार्बिन्स में, कि एक तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, देन न्यूट्रल वो भी थे, न्यूट्रल ये भी थे हैं। ये मोनोवेलेंट नाइट्रोजन स्पीशीज़ है, वो आपकी बाईवेलेंट कार्बन स्पीशीज थे, उसमें आपके दो आर ग्रुप या एच ग्रुप प्रेजेंट थे। ये मोनोवेलेंट है, यहाँ आपका एक ही एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो मोनोवेलेंट नाइट्रोजन स्पीशीज, जिसमें नाइट्रोजन के पास दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। एंड इज बॉन्डेड टू वन मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप। ये जो आपका एटम है, ये आपका एक ही होगा और मोनोवेलेंट होगा, क्लियर। अब एक तो आपका पेयर्ड होगा, एक जो पेयर है आपका वो पेयर्ड भी हो सकता है और वो आपका अनपेयर्ड भी हो सकता है। तो उस बेसिस पर ये भी आपकी दो टाइप की हो जाती हैं। अगर आपका दोनों पेयर्ड हैं, ठीक है, दोनों के दोनों पेयर्ड हैं, यानी कि चारों के चारों आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको आप सिंगलेट नाइट्रीन बोलते हो। और ट्रिपलेट में आपके क्या होता है कि एक तो आपका पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और दो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो अनपेयर्ड है ना, इसी वजह से हम इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। यहाँ सारे के सारे दोनों के दोनों पेयर्ड हैं, तो ये सिंगलेट हो जाएगा, क्योंकि 2 × 0 + 1 इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी। और आप देखते हैं इसके दो अनपेयर्ड हैं, तो 2 × 1 + 1 इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसीलिए इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। देन कार्बिन्स की तरह ही ये भी शॉर्ट लिव्ड हैं और हाईली रिएक्टिव हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का यहाँ भी सेक्सटेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, दो यहाँ से, दो ये और दो ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके हैं, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हैं, इसीलिए दे बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल और लुइस एसिड इन द रिएक्शंस। ये लुइस एसिड की तरह एक्ट करेंगे या इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। एंड लास्ट की जो नाइट्रीन्स हैं, वो आपके कार्बिन्स से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और क्या एनर्जी डिफरेंस है? नाइट्रीन्स आर मोर स्टेबल देन कार्बिन्स बाय एन एनर्जी डिफरेंस ऑफ अप्रॉक्स 25 किलो कैलोरी पर मोल। नाउ वी मूव ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन्स। जैसा कि आपने देखा, आपके दो नाइट्रीन्स पॉसिबल हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। तो ये आपका स्ट्रक्चर है सिंगलेट का। सिंगलेट नाइट्रीन में नाइट्रोजन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp2 हैं तो आपके अब तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक sp2 ने तो सिग्मा बॉन्ड बना लेना है मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप के साथ, और दो के अंदर आपके चार इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे पेयर्ड फॉर्म में एंटी पैरेलल स्पिन के साथ। पता चल गया क्या है? तो सिंगलेट कार्बिन में नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हैं तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बना लेना है मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप के पास, और दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और जो आपका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो आपका एम्प्टी होगा। तो दिस इज सिंगलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट में क्या होगा? ट्रिपलेट में नाइट्रोजन एटम जो है, दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक sp और दो sp आपके बने हैं, एक sp ने तो सिग्मा के साथ बॉन्ड बना लिया विद मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप, और दूसरे के अंदर आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो sp के अंदर आपका एक मोनोवेलेंट एटम से ग्रुप और एक आपका पेयर प्रेजेंट है, और आपका उसके बाद आपके दो अनहाइब्रिड आपके पी ऑर्बिटल बचेंगे। उन दो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के अंदर आपके
एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा विद पैरेलल स्पिन, जिस वजह से हम इसको ट्रिपलेट भी बोलते हैं। पता चल गया? तो सिंगलेट और ट्रिपलेट में आपके जो फ़र्क है मेन हाइब्रिडाइजेशन का है, और अगर आपके जो चार नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगर वो दो पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो आपकी सिंगलेट एल्कीन होती है, और अगर वो आपके एक पेयर की प्रेजेंट में है और दो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो आपकी वो एल्कीन होती, वो आपकी नाइट्रीन होती है, ट्रिपलेट नाइट्रीन। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। और रिएक्शन मैं आपको बता देती हूँ, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एक होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, जिसमें आप एमाइड से एमीन बनाते हो विद वन कार्बन लेस। तो उस रिएक्शन में देन एक और कर्टियस रिएक्शन होती है, उसमें आपका रीअरेंजमेंट होता है आइसोसाइनेट का, तो यहाँ पर आपकी ये नाइट्रीन्स यूज होती हैं। देन हाउ यू कैन जनरेट नाइट्रीन्स, तो नाइट्रीन्स को आप जनरेट कर सकते हो एजाइड्स। एजाइड्स क्या होते हैं? N3 या आइसोसाइनेट्स। इनकी चाहे आप थर्मोलिसिस करें चाहे फोटोलिसिस करें, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में भी हो जाएगी आपकी और हीट की प्रेजेंस में भी हो जाएगी, तो आपका बन जाएगा RN, नाइट्रोजन गैसेस रिलीज्ड, तो आपकी बन गई एल्काइल नाइट्रीन। इसी तरह आइसोसाइनेट से बना सकते हो, आइसोसाइनेट को भी आप चाहे थर्मोलिसिस चाहे फोटोलिसिस कुछ भी करें, नाइट्रीन में दो पेयर दिखाने हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी एल्काइल नाइट्रीन बन गई, और कार्बन मोनोऑक्साइड इस केस में आपकी निकल जाती है। ठीक है, तो जनरली तो यही आपके दो मेथड हैं, एजाइड से और आइसोसाइनेट से आप बना सकते हो, या आप सल्फोनेट आयन, सल्फोनेट आयन की बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप उसकी एलिमिनेशन करें OSO2 AR, ARSO3 होता है ना आपका SO3H, तो वो उस H की जगह आपने क्या लगा रखा है, आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सिल एमीन है RNH2OH, और सल्फोनिक एसिड या आपका एराइल सल्फोनिक एसिड हो गया, तो उसकी आप बेस के साथ अगर एलिमिनेशन कर दें तो वाटर आपका निकल जाएगा, आपकी नाइट्रीन बन जाएगी और साथ में आपका एराइल सल्फोनेट बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप नाइट्रीन्स को जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्या नाइट्रीन्स हैं, किस तरह से आप, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या इनका स्टेबिलिटी है, और किस तरह से आप नाइट्रीन्स को जनरेट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।